हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। देखिए, बेहद ही शानदार मुकाबला होने वाला है आज सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, जो कि बेरबोन स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। जो कि पिछला मुकाबला मुंबई में हुआ था, मुंबई और दिल्ली का, तो मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि दिल्ली ने 179 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना के चेज कर लिया था। पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है वहाँ पे, पेसर और स्पिनर को दोनों ही लगभग सेम एवरेज से विकेट मिले हैं। देखिए, 6 और 5 का औसत रहा है विकेट में। तो कल का मुकाबला जो है बहुत ही शानदार होगा, यानी मैं वीडियो रात में डाल रहा हूँ, तो यानी आज का मुकाबला सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स अपना मुकाबला, दोनों टीमें अपना मुकाबला हार के आ रही हैं। पहली बार जो है लखनऊ सुपर जायंट सीएसके से भिड़ेगी, तो इसलिए कोई इनका जो है हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है। प्लेयर बैटल है वैसे, जो इधर से उधर प्लेयर हुए हैं तो उनके लिए प्लेयर बैटल है। तो आइए बेहतरीन ड्रीम प्रिडिक्शन जान लेते हैं, जो हमारे टीम बनाने में हमको बहुत ही हेल्प करेगा। तो कॉटन डी कॉक, देखिए 78 मैच में 31 की एवरेज के साथ जो है इनका 5 जो है 17 55 24 27 7 और लास्ट स्कोर है इनका ये। तो इनका एवरेज बहुत ही शानदार चल रहा है, जो कि मुंबई इंडियंस से अब की बार इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल की मेगा ऑप्शन में खरीदा है। तो आपके लिए बेहतरीन पिक हो सकते हैं। पिछले मैच में जो है जल्दी 7 रन पे आउट हो गए थे, और केएल राहुल जो है पिछले मैच में देखिए 0 पे बोल्ड हो चुके थे, और उसके पहले देखिए 95 मैच में इनका 46 के एवरेज के साथ कितना बेहद शानदार जो है 21 बनाए हैं, 67 बनाए हैं, 39 बनाए हैं, 98 बनाए हैं, और लास्ट स्कोर ये सब है इनका। इवन लुइस 78 मैच में 31 के एवरेज के साथ 17 55 24 27। मनीष पांडे भी 78 मैच खेले हैं 31 के एवरेज के साथ 17 55 24 27। दीपक हुड्डा 81 मैच में जो है 17 के एवरेज के साथ 10 विकेट लिए हैं, और लास्ट मैच में इन्होंने देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए हीरो का काम किया था, 55 रन की पारी खेली थी। और आयुष बदनोई जो है देखिए 6 मैच में 21 रन 31 के एवरेज के साथ जो है 54 रन बनाए थे इन्होंने। कुरान पांड्या जो है 85 मैच में 23 के एवरेज के साथ 4 12 5 21 बना रहे हैं, फिर जो है 4 बना रहे हैं, और यहाँ 52 विकेट है, 52 विकेट जो है चटका चुके हैं 85 मैच में। और दुशांत चमीरा जो है 47 मैच में 47 विकेट जो है चटका चुके हैं। आवेश खान 26 मैच में 30 विकेट चटका चुके हैं, जबकि एंटू टाई जो है अवेलेबल हो चुके हैं, तो मुकाबला आज का खेल सकते हैं वो, 27 मैच में 40 विकेट जो है चटका चुके हैं। और जो है बिश्नोई, रवि बिश्नोई जो है 24 मैच में 24 विकेट जो है। अब बात करते हैं सीएसके की, ऋतुराज गायकवाड़ देखिए 23 मैच में 44 के एवरेज के साथ 13 बना रहे हैं 12 बना रहे हैं 70 बना रहे हैं फिर 32 बना रहे हैं फिर 0 बना रहे हैं। और डी कॉनवे 20 मैच में 50 के एवरेज के साथ जो है इनका 3 मैच में जो है 50 के एवरेज के साथ इंटरनेशनल रिकॉर्ड है लास्ट इनका, तो 50 के एवरेज के साथ T20 का एवरेज के साथ रन बना रहे हैं इस समय। और बात करते हैं यहाँ पे रॉबिन उथप्पा की, 194 मैच में 27 के एवरेज के साथ 6 बनाए हैं 19 बनाए हैं 2 बनाए हैं 63 बनाए हैं 28 बनाए हैं। मोइन अली अवेलेबल हो चुके हैं सीएसके के लिए, तो प्लेइंग 11 में इनकी जगह बनती है, तो ये आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं। तो 34 मैच में 22 के एवरेज के साथ 16 विकेट और 21 बना रहे हैं 5 बना रहे हैं 0 बना रहे हैं फिर 16 फिर 37 बना रहे हैं। देखिए मोइन अली ओपनिंग भी कर सकते हैं सीएसके के लिए, तो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं मोइन अली। तो आप मोइन अली को ज़रूर से ज़रूर अपनी टीम में पिक करिएगा, ये आपके लिए की प्लेयर हो सकते हैं। अम्बायतु रायडू जो है 176 मैच में 22 के एवरेज के साथ 2 बना रहे हैं 55 बना रहे हैं 4 बना रहे हैं 1 बना रहे हैं 15 बना रहे हैं। रविंद्र जडेजा जो है कप्तान है सीएसके के, 201 मैच में 27 के एवरेज के साथ 15
फिर 0, फिर बैटिंग नहीं आई थी एक्स का मतलब, फिर 26 सीएम दुबे 25 मैच में 21 के एवरेज के साथ 35 64 3 18 3 4 विकेट चटका चुके हैं। MS धोनी 221 मैच में 39 के एवरेज के साथ 18 12 18, फिर बैटिंग नहीं मिली थी, फिर 50 पिछले मैच में इन्होंने देखिए बनाया था। फिर डीजे ब्राव KKR के अगेंस्ट जो है इन्होंने 50 बनाया था। डीजे ब्राव जो है 152 मैच में 170 विकेट चटका चुके हैं। एडम मिलने जो है 10 मैच में 7 विकेट चटका चुके हैं। तुषार देशपांडे जो है 6 मैच में 3 विकेट चटका चुके हैं। तो इधर से आपके लिए अगर CSK की टीम पहले बॉलिंग करती है तो एडम मिलने और तुषार देशपांडे जो है बॉलिंग में ओपनिंग करते नजर आएंगे। तो जो है KL राहुल और कोरन डीकॉक में से आप दोनों को मत रखिएगा, किसी एक को रखिएगा, कोई एक बढ़िया खेलेगा KL राहुल या फिर डीकॉक, तो आप डिफरेंशियल टीम बनाइएगा और डिफरेंशियल पिक रखिएगा, क्योंकि इनमें से दोनों एक को आउट कर सकता है तो उनकी जगह जो है हमारे बॉलिंग लाइनअप में बनती है। इन दोनों में से एक प्लेयर को हमको रखना पड़ेगा और डीजे ब्राव। तो ठीक उसी प्रकार से इधर से देखिए कुछ इस प्रकार से टीम मैंने बना के रखा है आपको समझाने के लिए। देखिए मैंने मान लीजिए लखनऊ सुपर जायंट्स के KL राहुल यहाँ पे हैं और जो है डीकॉक यहाँ पे, दोनों विकेट कीपर सेक्शन में है, तो दोनों को ओपनिंग करते हैं तो दोनों को मैंने आउट करा दिया था देशपांडे और एडम मिलने के साथ। मैंने वाइस कैप्टन एडम मिलने को बना दिया है, जिससे अगर शुरू में विकेट चटका देते हैं तो उसके बाद में डेथ ओवर में भी एक दो विकेट चटका के 3 विकेट लेके वाइस कैप्टन या कैप्टन के बेस्ट पिक बन सकते हैं। और मैंने मोइन अली को कैप्टन रखा है और इधर से मैंने दीपक हुड्डा को लिया है, फिर किरण पांडे और आयुष बदनोई को। टॉप ऑर्डर पूरा जो है मैं आउट कर दे रहा हूँ। मैं रायडू की जगह इवन लुइस को दे सकता हूँ और दुष्वंता चमीरा इधर से रखा हूँ और जडेजा और तुषार देशपांडे। ठीक उसी प्रकार से देखिए अब इधर से मैं आउट करवा रहा हूँ आपके उनको आउट, डी कॉनवे और जो है ऋतुराज गायकवाड़ को मैं रख रहा हूँ, डी कॉनवे और रायडू को आउट मैं करवा रहा हूँ और मोइन अली जो ऑलराउंडर है तो बेस्ट पिक है। और आप जो है यहाँ पे किरण पांड्या को ले सकते हैं आप आवेश खान या एंड्रू टाय की जगह। तो कुछ इस प्रकार से आपको डिफरेंशियल पिक बनाना है। मैं 6 टीम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ इसी प्रकार से आपको टीम क्रिएट करने हैं। तो ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर ड्रीम इलेवन आप तभी जीत पाएंगे जब आप पेशेंस रखेंगे। कल की टीम मेरी बहुत ही शानदार टीम थी, 7000 रैंक था 1.5 करोड़ की प्राइज में, लेकिन जो है वाइस कैप्टन मैंने फॉक डुप्लेसी को बना रखा था, इसलिए जो है गड़बड़ हो गया। तो ज़्यादा अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लीजिए। इतनी आसानी और इतनी बेहतरीन ढंग से कोई कंटेंट कर तैयार करके बताएगा नहीं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।